सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ज्ञान की गंगा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जिसका रीज़न था मेरे तबीयत जो थी अभी सही नहीं थी कुछ दिनों से। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो रेगुलर मैं वीडियो अभी अपलोड करता रहूँगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जो आज की हमारी वीडियो है वह उन लड़कों के लिए है जो किसी लड़की से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने दिल की बात बता नहीं पाते, अपने प्यार का एहसास उन्हें दिला नहीं पाते। तो आज की वीडियो टोटली मैं लड़कों के लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन चाहे तो लड़कियाँ भी इसे देख सकती हैं। आज के जो वीडियो का हमारा टाइटल है वह है कि आप किसी भी लड़की को किस तरह से अपने प्यार का एहसास दिलाएं कि लड़की खुद आकर आप को गले लगा ले और आपको आई लव यू बोल दे या आपको प्रपोज कर दे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती है लड़कों के साथ। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी क्लासमेट होती है वो लड़की, या उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ती है, या उसके साथ पढ़ती है, या उसके बगल की पड़ोसी है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके साथ की लड़की जिनसे वो प्यार करते हैं उसके बिल्कुल नहीं जानते, बस उसे रास्ते में देखते हैं, रोज देखते हैं कि हाँ ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, मुझे इसे अपने मन की बात बतानी चाहिए, दिल की बात बतानी चाहिए। तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। तो इन सभी के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले, यदि आप किसी लड़की को बिल्कुल नहीं जानते, बस आप उसे देखते हैं कि हाँ रोज़ आपकी गली से गुजरती है, आपके सामने से गुजरती है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले उस लड़की को ये एहसास दिलाना है कि आप उसका वेट कर रहे हो, रोज उसकी गली में आप उसका वेट करते हो, उसके कोचिंग सेंटर के बगल में आप वेट करते हो, या वो जो एजुकेशन या कहीं पढ़ रही है आप उसके आसपास उसका वेट करते हो। उस लड़की को आपको यह एहसास दिलाना है कि कोई लड़का है जो तुम्हें चाहता है या उसे चाहता है। इस तरह के अंदर उसके भाव आ जाना चाहिए, इस तरह के आपको काम करने हैं। और एक बात और, लड़कियों को हमेशा शांत लड़के पसंद है, मतलब छिछोरे टाइप का आप वर्क मत कीजिए। आप दोस्तों के साथ जाइए, इस तरह के काम या कुछ भी उल्टा सीधा मत उसे बोलिएगा, बिल्कुल शांति से आप उसका वेट कीजिए और उसको बस देखते रहिए, बाकी कुछ मत इशारे उशारे या कमेंट कुछ भी पास मत कीजिए। क्योंकि इस तरह के छिछोरेपन वाले लड़कों को कभी भी लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। लड़कियां हमेशा एक सच्चे इंसान को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं जो लड़कियों की रेस्पेक्ट करे, हमेशा उनकी इज्जत करे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जब यह एहसास हो जाए कि हाँ वो लड़की भी आपको नोटिस कर रही है और वो भी आपको मतलब नज़र से नज़र मिला रही है, आपकी आंखों में देखती है और थोड़ी सी मुस्कुराती है या शर्माती है, इस तरह की मतलब यदि आपको सामने कोई भी सिम्टम दिखाई दे या जो साइन होते हैं प्यार के साइन होते हैं दिखाई दे, तो आप तुरंत जाइए उससे बात कीजिए और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहिए कि हाँ मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम आपको उसके बात करना है कि आपको उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, उसके साथ फ्रेंडशिप करना है। और कभी भी ये मत कहिए कि हाँ कि फ्रेंडशिप के बाद आपके लव, इस तरह के काम बिल्कुल मत कीजिए। आपको फ्रेंडशिप लास्ट तक निभानी है और उससे भी बोलिए कि हम लोग हमेशा ही फ्रेंड ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं लड़कों की एक कॉमन गलती मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लड़के, कुछ लड़के मतलब मैक्सिमम लड़के ऐसे होते हैं जो दोस्ती करते हैं किसी भी लड़की के साथ और मात्र 4 दिन 5 दिन के अंदर उसे प्रपोज कर देते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे लव हो गया है, प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तो कोई भी लड़की अगर मतलब अच्छी लड़की होगी तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी वो इतनी जल्दी, ठीक है। तो प्लीज़ यदि वो अच्छी लड़की है और आप भी दिल से उसे चाहते हो, यार प्यार करते हो अच्छे से,
तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखना है और आपको दोस्ती अंत तक निभानी है। वो लड़की खुद आपको ऐसा करना है कि वो लड़की खुद आपको आके कहे कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नंबर एक्सचेंज करना है, अपना नंबर उसे देना है और उसका नंबर लेना है और उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो भी है साइटें हैं उस पे उसका जो भी आईडी है यूज़ करना है और उसे मैसेज करते रहिए। और आपके मैसेज किस तरह के होने चाहिए मैं आप लोगों को ध्यान से बता देता हूँ। तो यह वीडियो लंबी होने वाली है और मुझे लगता है मेरी यह वीडियो सबसे लंबी होने वाली है अब तक की, मेरी जो 100 इससे पहले वीडियो मेरी पड़ चुकी है उसमें से सबसे लंबी वीडियो ये बनने वाली है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैसेज आपको किस तरह के करने हैं उसे बताने से पहले प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ क्योंकि मेरा प्यार है, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आप किस लड़की से प्यार करते हैं, शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, निक नेम लिख सकते हैं और प्लीज़ उसके लागे आई लव यू, आई लाइक यू, आई मिस यू कुछ भी लिख सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं, मेंशन करिए, कमेंट करिए, अभी जस्ट कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बताते हैं मैसेज आपको किस तरह के करने हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैसेज करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए, बिना जाने कुछ के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेनी चाहिए कि उसके बर्थडे के बारे में आपको अगर कहीं से पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि उसका बर्थडे कब पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को सरप्राइज़ देना काफ़ी पसंद होता है। यदि आप उसके बर्थडे के दिन उसको सरप्राइज़ देते हैं, भले मैसेज के थ्रू देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, तो आप फ्रेंडशिप करिए, उसे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मूवीज़ दिखाइए, इस तरह के काम यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और मैसेज में आपको इस तरह के मैसेज करने हैं जो सेंटेंस क्वाइट वाले मैसेज नहीं करने हैं, कि वहीं पे आपकी बात समाप्त हो जाए और उसके आगे लड़की को कोई वर्ड ही ना मिले आपसे बात करने का। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ लड़के किस तरह के मैसेज करते हैं। तो लिखेंगे गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, और क्या हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ी सी बात होती है। उसके बाद फिर पूछते हैं और क्या हो रहा है, मतलब और क्या कर रही हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है भाई। आप गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, हाय लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है और क्या हो रहा है ये सब बातें आपको नहीं लिखनी है। आपकी जब फ्रेंडशिप एकदम बहुत अच्छे से हो जाएगी तो आप उसे आसानी से कुछ भी एक निक नेम दीजिए और उस तरह से बुलाइए, और छिपकली क्या कर रही हो इस तरह के नाम से आप पुकारिए, और चुड़ैल क्या कर रही हो इस तरह के नाम आप पुकारिए। आप उसे कहिए कि तुम मुझे तो याद करती नहीं हो, तो चलो बताओ कि खाली समय में तुम किसे ही याद करती हो मुझे छोड़कर। तो इस तरह की बहुत सारे आपकी वो बातें मिल जाएंगी, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाएंगे, बातें स्टार्ट करने वाली वाक्य मिल जाएंगे, सेंटेंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो एकदम वही नहीं बात करनी है, आपको कुछ अलग भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियां भी वो चीज़ें पढ़ती हैं, नेट पे सर्च मारती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस तरह की बातें आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों यहां तक भी आपको कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना है उसे कि आप उसे चाहते हो, आप उसे प्यार करते हो, ठीक है, उसे एकदम बिल्कुल लगना चाहिए कि मतलब वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब एकदम जैसे लड़कियां लड़कियों की दोस्त होती हैं उस तरह की आपको दोस्ती निभानी है आपको, कि उसे कभी भी बॉयफ्रेंड का एहसास ना हो कि उसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, उसे लगे कि हाँ एक दोस्ती काफ़ी है, मतलब इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना डिपेंडेबल उसे बना देना है अपने ऊपर। दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमेशा आप उसके सुख दुख में उसका साथ दीजिए, वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, उसके फैमिली में क्या चल रहा है, वो दुखी क्यों है, सारी बातों का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए और उसका तोड़ भी होना चाहिए कि आप उसे किस तरह हंसाएं, हमेशा किस तरह खुश रखें, मूवीज़ दिखाइए, घुमाइए, कहीं पार्क में ले जाइए, कुछ भी रेस्टोरेंट कुछ भी, आप उसे मतलब कभी भी उसे इस तरह का एहसास ना आए कि
क्या उसे भी प्यार करना चाहिए या किसी भी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, कभी भी इस तरह का उसके मन में ख्याल भी ना आए, आपको ऐसा काम करना होगा। जो हमारा फाइनल स्टेप है उसे मैं क्वाइट स्टेप नाम देता हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ बंद कर देना है, अपना सोशल मीडिया अकाउंट, अपना नंबर, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। लेकिन आप उस लड़के के बारे में जानते रहिए कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसे ये लगना चाहिए कि ये लड़का अपना सब कुछ क्यों बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, या आप कहीं जाना चाहते हैं निकल जाइए घूमने के लिए, और उसे बोल दीजिए कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ, या किसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। फिर आप 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने तक आप उसे वेट कराइए कि वो खुद आप परेशान हो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, उसे एहसास हो जाए कि वो कितना डिपेंडेबल हो गई है आपके ऊपर, और धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि वो सच में आपसे बहुत प्यार करती है, वो शायद आपसे प्यार करने लगी है। उसके बाद आपको वो इतना ज़्यादा चाहने लगेगी कि आपसे मिलने के लिए वो परेशान होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ दिनों बाद उसे उसकी ही फेवरेट जगह पे आपको बुलाना है, और सच बता रहा हूँ दोस्तों, वो जब आएगी ना तो आपको सीधे गले लगा लेगी, और वहाँ पे आप आसानी से उसे प्रपोज कर सकते हैं, या वो खुद आपको प्रपोज कर देगी, और यहाँ पे आपके प्यार की शुरुआत हो जाएगी। यदि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, पैसों की कमी नहीं है, तो आप उसकी फेवरेट जगह को थोड़ी सजवा सकते हैं बैलून से, हर्ट्स बैलून जो भी आते हैं सबका यूज़ करके आप उसे सजा सकते हैं, और ये समय थोड़ा इवनिंग का होना चाहिए, मौसम सही होना चाहिए, तो उस जगह पे आप बुलवा कर आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, और वो खुद आपको कहेगी कि वो आपसे प्यार करती है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यह वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है और लाइक अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी के काम ये वीडियो ज़रूर आएगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है। और यह वीडियो मेरे अब तक की सबसे बड़ी वीडियो बनी है। लगभग इस वीडियो का जो टाइम है, मुझे लगता है कि लगभग 14 मिनट तक की यह वीडियो होगी। तो अगर आप मुझे इस वीडियो पे प्यार देंगे तो मुझे थोड़ा सा इंस्पायर होऊंगा आप लोगों से, मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि हाँ मुझे वीडियो लंबी बनानी चाहिए। सो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। जो लोग प्यार में मुझसे सजेशन चाहते हैं, लव में कोई भी सजेशन चाहते हैं, वो मुझे Instagram पे फॉलो करके वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। Instagram हमारी ID है GKG180, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर करिए। एक बार मैं बता देता हूँ, Instagram ID हमारी है GKG स्मॉल लेटर 180, GKG 180। तो वहाँ पे हमारा जो है लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं Instagram पे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप लोग सजेस्ट करके हमें बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।